एक गुलाब सब पुष्पों में लगता उनको प्यारा। एक गुलाब सब पुष्पों में लगता उनको प्यारा। भारत माँ का लाल वह सबसे ही था न्यारा। भारत माँ का लाल वह सबसे ही था न्यारा। अ स्माइल ऑन अ चाइल्ड्स फेस नॉट ओनली इंक्रीजेस हिज फेस वैल्यू बट ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस एंड ट्रूथफुलनेस इन एवरीवन्स हार्ट। विद दिस अ वेरी प्लेजर एंड वार्म मॉर्निंग टू ऑल द टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। टूडे I, Harshita, of first year, will present a speech on Children's Day, या जिसे हम बाल दिवस भी कहते हैं, हर वर्ष 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को चाचा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्रेम व स्नेह करते थे। However, there is another story to tell. It is suggested that Nehru has a close relationship with Gandhi and thus was called Chacha. उन्हें उनका छोटा भाई भी माना जाता था, इसलिए पूरा देश उन्हें चाचा कहकर बुलाता था। बाल दिवस को विश्व में हर जगह अलग अलग दिन मनाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 28 अक्टूबर, यूएसए में 13 जून और रूस में 1 जून। नॉट ओनली दिस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून एंड द वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर। आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन मे 1964, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एज हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही यूज टू बिलीव दैट द चिल्ड्रन ऑफ टूडे will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. Children are like buds in the garden. They should be carefully and lovingly nurtured. उनके इसी विचार की वजह से उन्हें पूरा देश पूजता था और पूरा संसार उनके नारों से गूंजता था। That's why we celebrate 14 November as Children's Day in India. Hence, in a nutshell, I would like to conclude with a small Hindi poem. अचकन में फूल लगाते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे। अचकन में फूल लगाते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे। बच्चों से प्यार जताते थे, चाचा नेहरू प्यारे थे। बच्चों से प्यार जताते थे, चाचा नेहरू प्यारे थे। चाचा नेहरू प्यारे थे। थैंक यू वेरी मच।
और मैं प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज 14 नवंबर है, मतलब कि दीपावली। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और उसके साथ आज एक और भी सेलिब्रेशन है, 14 नवंबर, मतलब कि चाचा जी का जन्मदिन। इस दिन को हम चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं, मतलब कि बाल दिवस। इस दिन यह दिन बच्चों का होता है, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे से बहुत प्यार था, इसलिए लोगों ने उनके बर्थडे के दिन चाचा नेहरू, मतलब बर्थडे के दिन चाचा नेहरू के दिन पर चाइल्ड डे मनाने स्टार्ट कर दिया। बच्चों, आज मैं आपको एक चाइल्ड डे, मतलब चाइल्ड डे के ऊपर बाल दिवस पर ही एक कहानी सुना रही हूँ। एक दिन एक शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना पूरे बच्चों को एक सरप्राइज दिया जाए। उन्होंने पूरे स्कूल को गुब्बारों से डेकोरेशन कर दिया था और बच्चों के लिए खाने पीने खेलने की सारी सामानों का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया था। जब बच्चे आए तो उन्होंने बच्चों को हाथ में एक एक गुलाब देना स्टार्ट कर दिया और आशीर्वाद दिया। फिर वह बच्चे क्लास में गए। सर खेल खेल में ही कुछ सिखाना चाहते थे। सर ने सोचा कि बच्चों, आज हम गुब्बारे वाली कहानी सुनाएं, गुब्बारे पर एक खेल खेलेंगे। सर ने बहुत सारे गुब्बारे एक बास्केट में रख दिया और बच्चों को कहा कि आप सब बच्चे इसे फुलाओ। तो बच्चे ने तुरंत दौड़ के फुलाने लगे। किसी ने इतना बड़ा फुलाया कि उनके मुंह पर ही फूट गए। आखिरकार सभी बच्चों ने एक एक गुब्बारे फुला लिए और टीचर ने कहा कि यह गुब्बारे पर अपना अपना नाम लिखो। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर टीचर ने कहा कि यह सब गुब्बारे एक कमरे में जाके रख दो सभी बच्चे। सारे बच्चे चले गए और गुब्बारा एक कमरे में रख दिया। सभी गुब्बारे मिक्स हो गए। फिर बच्चों ने सोचा कि अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। फिर सर आए और सर ने कहा कि सभी बच्चे उस कमरे में जाओ और अपने अपने गुब्बारे को ढूंढ कर लाओ। सभी बच्चे तुरंत दौड़ कर गए और गुब्बारा ढूंढने लग गए। किसी को अपना गुब्बारा नहीं मिला। सारे हताश हो गए और सर के पास आ गए। सर ने कहा, बच्चों अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। फिर सर ने सबको कहा कि जिसके हाथ में जौन सा गुब्बारा जिस बच्चे के नाम पे आता है उसे पार्सल कर दो दूसरे बच्चे जिसका नाम है। बच्चों ने यही किया। उनके हाथ में जौन सा गुब्बारा आया वो दूसरे बच्चों को देते गए। ऐसे कुछ ही मिनट में बच्चों ने अपने अपने नाम के गुब्बारे ढूंढ लिए। तो टीचर ने समझाया, बच्चों आपने पहले बार जब ढूंढा गुब्बारा तो आपको बहुत समय लगा और आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आपने एकता से काम किया तो आपको कुछ ही मिनट में अपने अपने गुब्बारे हाथ में मिल गए। तो बच्चों, हमें एकता से मिलजुल कर काम करना है। चिल्ड्रन डे को आपको हैप्पी शुभकामना। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14th November, अ ब्रीफ हिस्ट्री बाय डायट केशवपुरम। वाई डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे इज टू सेलिब्रेटेड
Childhood. On Children's Day, a tribute is to be paid to all the children in India. We celebrate Children's Day in India on 14 November every year to celebrate birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born in Allahabad on 14th November 1889. He went to London for higher studies. He was very fond of roses and children. Children all over the country know him as Chacha Nehru. The day emphasizes on the importance of giving love, attention and affection to children. The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of country, said by Nehru. Wish you all a very, very happy Children's Day and happy Diwali. By Diet Keshapuram. Thank you. आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy Children's Day. बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। को अम्मा अम्मा दे दे रुपया गोली मीठी खाने को। पल्लू में है नोट 5 का, जाती अभी बुनाने को। अम्मा अम्मा दे दे रुपया चना चबीना खाने को। बैठो मुन्ना जाना ना तू मक्की लाई चबाने को। अम्मा अम्मा जाऊं खेलने चुनमुन आए बुलाने को। कह दे उनसे जाए वापस तू जा राशन लाने को। अम्मा पके अमरूद पेड़ पर चढ़ जाऊं। हाँ चढ़ जाऊं क्या डाली पर। ना तोड़ेगा हाथ पैर तू। काम छोड़ यह माली पर। 12 मन की धोबन आए ले चल दिखाने को। चूल्हा चौका पड़ा है सारा, कह दे और दिन आने को। बाजे डमरू आया मदारी बंदरिया बहू नचाने को। नाचो एक टांग पर हर पल आया मुझे चिढ़ाने को। अम्मा अम्मा सभी जा रहे हैं, जाऊं मैं भी मेले में। बेटा भारी भीड़ वहां है, होगा गुम कहीं रेले में। बहुत हो गए खेले मेले, मन में तो बात समाई कर ले। अम्मा को जो खुश करना तो खोल किताब पढ़ाई कर ले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है नदियां मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है नदियां मध्यम लगती है समुंदर के अंदर चले। इन गलियों में एक अलग सी बहार आई है, इन गलियों में एक अलग सी बहार आई है। बच्चों ने खूब धूम मचाई है,
मैंने पूछा इन बच्चों से, अरे भाई क्यों इतनी धूम मचाई है? खिलखिलाते हुए कहा बच्चों ने, अरे भैया दिवाली आई है। इस समय एक अलग सी मायूसी वाली बादल छाई है। इस समय एक अलग सी मायूसी वाली बादल छाई है, पर इन दियों की रोशनी ने एक अलग ही समा लगाई है, एक खुशी वाली माहौल आई है, क्योंकि दिवाली आई है। किसी ने सही कहा है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनकी मुस्कुराहटों को देखकर दिल को सुकून होता है, इनके होने से एक घर घर होता है और स्कूल रंगीन होता है। बच्चों के होने से त्योहारों का एहसास होता है, बच्चों के होने से त्योहारों का एहसास होता है, उन त्योहारों में कुछ खास होता है। बच्चे खुश रहे इससे बड़ी एक माता पिता और शिक्षक के लिए थोड़ी कोई बात होता है। इस दिवाली आप सभी के घर खुशियों की बरसात हो, इस दिवाली आप सभी के घर खुशियों की बरसात हो, आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, कहीं ना अंधकार हो, आपके वाणी में मिठास हो, आपके वाणी में मिठास हो, आपको अपने कर्तव्य का एहसास हो, जहाँ भी अंधकार है हर जगह प्रकाश हो। इस समय पता नहीं बच्चों में कहाँ से इतनी ऊर्जा आई है, इन्होंने खूब शोर मचाई है। बहुत महीनों बाद इन सुनसान गलियों में चहचहाहट आई है, दिवाली के बहाने सही कुछ रौनक छाई है। बधाई हो बधाई, इस बार दिवाली और बाल दिवस साथ आई है। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम है विकास, फर्स्ट ईयर डाइट के सप्रम से। मैं आप सभी लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि है दिवाली के ऊपर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के पात्रों से परिचित करा दूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये है हमारा कैरेक्टर नंबर एक जिसका नाम है राहुल, और यहाँ पर दूसरी हमारी जो कैरेक्टर है वो है सुनिधि जो राहुल की बहन है, और ये है हमारी दादी अम्मा जो राहुल और सुनिधि की दादी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज है दिवाली, तो
तो पूरा देश ही दिवाली धूमधाम से मना रहा है, हर जगह दिए जल रहे हैं, पटाखों का शोर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम राहुल के घर में देखते हैं कि राहुल अपने पिताजी से कुछ जिद कर रहा है। पापा मुझे पटाखे चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे दो। पापा मुझे पटाखे चाहिए, मेरे सारे दोस्त जला रहे हैं, मैं ही नहीं जला रहा, मुझे पैसे दो पापा, पैसे दो, मुझे भी चाहिए पटाखे। और देखिए ना, दीदी के पास भी तो है, उन्हें उनको आपने ला के दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे भी दो ना। इतने में ही दादी अम्मा आती हैं बीच में। अरे कैसा शोर मचा रखा है तुमने। दादी अम्मा को खांसते देखकर सुनिधि उनसे पूछती है, अरे दादी अम्मा आपको क्या हुआ, आप इतना खांस क्यों रही हैं अचानक से। अरे क्या बताऊं बेटा, दिवाली का त्योहार है, सभी लोग पटाखे जला रहे हैं जिससे प्रदूषण निकलता है और वातावरण बहुत ही ज्यादा दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। बेटा क्या बताऊं, ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी कुछ। ये सुनने के बाद राहुल बोलता है, पर दादी अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसे मनाएंगे। हाँ दादी राहुल सही कह रहा है। ये सुनकर दादी अम्मा दोनों को जवाब देती हैं, बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ, दिवाली जो है वो पटाखों का त्योहार नहीं है, मैं बताती हूँ कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। इस दिन पे हमारे भगवान श्री राम जो है वो 14 वर्ष का वनवास भोगकर और रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए जो हमारे नगरवासी थे अयोध्या के और पूरे भारत में दिए जलाए थे, और उसी दिन से हम लोग दिवाली मनाते आ रहे हैं। दिवाली लाइट प्रकाश का त्योहार है, इस त्योहार में हम लोग दिए जलाते हैं ना कि पटाखे जलाते हैं। ये तो आधुनिक लोगों ने पटाखे जलाने का रिवाज शुरू कर दिया है, वरना दिवाली तो दीपों का त्योहार है, और इन्हीं पटाखों की वजह से आज मुझे ये तकलीफ है। और तुम लोगों को भी तो देखो सांस लेने में दिक्कत होती होगी। ये सुनकर सुनिधि बोलती है, अच्छा दादी तभी मैं कहूँ मेरी आंखों में जलन क्यों होती है। हाँ बेटा प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। इसके जवाब में राहुल कहता है, अच्छा ठीक है दादी, आज से मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगा, आज से हम सिर्फ दिए जलाकर और मिठाई खाकर ही दिवाली मनाएंगे। मैं अपने सभी दोस्तों को भी बता दूंगा, दीदी आप भी बता दीजिए क्यों पटाखे ना जलाएं, चलिए बताने चलते हैं हम। तुम सही कह रहे हो राहुल, चलो चलते हैं। इतना कहकर राहुल और सुनिधि दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें कुछ ख्याल आता है। अरे दीदी बाहर तो कोरोना महामारी फैली हुई है, अगर हम जाएंगे तो हम संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। ये सुनकर दादी अम्मा कहती हैं, बहुत खूब राहुल तुमने एकदम सही सोचा है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। यहीं पे मैं आपको अपना फोन देती हूँ, आप अपने दोस्तों को फोन करके उनको पटाखे जलाने से मना कीजिए। इतना सुनकर राहुल और सुनिधि अपने तमाम दोस्तों को फोन करके कहते हैं कि दोस्तों पटाखे ना जलाइए, दिवाली दियो का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, तो दीप जलाकर दिवाली मनाइए। और उसके बाद दादी अम्मा इनको शाबाशी देते हुए कहती हैं, बहुत ही अच्छा बच्चों तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम लोगों को दो पंक्तियां सुनाती हूँ कि दीप जलाओ दिवाली में, पटाखे फेंको नाली में। ये सुनकर राहुल और सुनिधि दोनों ही दादी के पीछे दोहराते हैं, दीप जलाओ दिवाली में, पटाखे फेंको नाली में। इसी के साथ में हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीख भी ली होगी। Let's go.
चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जायो घन बरसायो धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे मुस्कान।
आयो रे।